हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सर, आपके साथ मैं हूं अपूर मिश्रा। स्टीव स्मिथ ट्रोल हो गए हैं, बड़ा बुरा ट्रोल हो गए हैं। स्टीव स्मिथ क्यों ट्रोल हो गए हैं और साथ ही साथ उनके जो साथी खिलाड़ी रहे थे पिछले दो टेस्ट मैचेस में, जो बंस, जो कि अब निकल लिए हैं वापस बीबीएल खेलने लगे हैं, टेस्ट सीरीज से निकल लिए हैं, ये दोनों ही बड़े बुरी तरीके से ट्रोल हो गए। और इन्हें ऑस्ट्रेलिया में नहीं, इंडिया में किसी ने ट्रोल नहीं किया है, बल्कि इन्हें ट्रोल किया गया न्यूजीलैंड में। जी हाँ, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा था उसमें एक सपोर्टर जो है वो एक प्ले कार्ड लेकर आया। उस प्ले कार्ड में जो लिखा था ना, वो अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। और जो स्टीव स्मिथ के, जो एक तरीके से कह सकते हैं, जो भारतीय टीम के जो समर्थक हैं और स्टीव स्मिथ के विरोधी हैं, वो बड़ा पसंद कर रहे हैं इसे। क्या लिखा था मैं आपको बताता हूं, तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा ये फैन प्ले कार्ड लिया हुआ है, उसमें लिखा है क्रिकेट बैट्स फॉर सेल Barely used, और उसमें लिखा क्या था, कॉल स्टीव स्मिथ जो बंस, यानी कि बल्ले जो हैं वो सेल माफ कीजिएगा, बल्ले जो हैं वो सेल के लिए लगे हुए हैं, जो काफी मतलब बहुत ही कम इस्तेमाल होते हैं। और अगर ऐसे सेल के लिए आपको बल्ले खरीदने हैं तो संपर्क किससे करें, स्टीव स्मिथ से और जो बंस से, यानी कि इनका बल्ला चल ही नहीं रहा है, बल्ला इस्तेमाल में ही नहीं ला पा रहे हैं, तो इनका बल्ला खरीद ही लो, इनके बल्ले सेल पे लगे हैं। ये एक तरीके से तंज था स्टीव स्मिथ और जो बंस पर इस स्पेक्टेटर का, जो कि न्यूजीलैंड में हमें देखने को मिला है। और बस ये जो ट्रोल किया गया है ना, जैसे ही तस्वीर वायरल हुई, अब और भी लोग इस तस्वीर को शेयर कर करके स्टीव स्मिथ और जो बंस को ट्रोल कर रहे हैं। वैसे आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है बताइएगा, खबर कैसी लगी ये भी बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।